योग और नेचुरोपैथी में हम उनका क्लिनिकल एस्पेक्ट यहाँ पे देखते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, आपको क्या पता होना चाहिए, कैसे योग या योग के बहुत सारे इवोल्यूशंस हैं। इन जनरल अगर बात करें तो सिर्फ आसन को या प्राणायाम को ही हम योग नहीं बोलते हैं, योग के बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पे हम हायर सेल्फ की बात करते हैं। जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ऐसा करके। तो बेसिकली जैसे आपने स्टार्टिंग में जब अपने चरक पढ़ी होगी तो शुरुआत में आपने हेल्थ के बारे में पढ़ा, कैसे इवॉल्व हुए, उसके बाद कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने होते हैं। फिर आप शारीरिक स्थान में आए तो वहाँ पे आपने योग के बारे में पढ़ा, आपने मोक्ष के बारे में पढ़ा। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका चरक का, जो जो फर्स्ट पूर्वार्ध जो है, उसमें शारीरिक स्थान के फर्स्ट चैप्टर में इन टोटल योग के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। योग क्या है, आपका कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, मोक्ष को कैसे अटेन कर सकते हैं, आपका जो मोक्ष है उसके लिए कौन से पाथ बताए गए हैं, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी, कि आप किन चीज़ों से आप योग को समझते हैं, या फिर अष्टांग योग नाम आपने सुना होगा। अष्टांग योग सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि जब भी आप योग के बारे में पढ़ते हैं तो उसके डिफरेंट सेक्शंस के बारे में आप बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। अष्टांग योग बेसिकली अगर बात करें तो ये आपके इवोल्यूशन के लिए है। इवोल्यूशन मतलब जो हायर सेल्फ होता है, जो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ की हमने बात की थी, ठीक है, दैट इज समवेयर रिलेटेड विद आप जो आपका योग है उसके लिए। तो अगर आपको स्पिरिचुअल हेल्थ को में अटेन करना है, या आपका जो फिजिकल समवेयर समहाउ अगर सब चीज़ को अगर आप इकट्ठे लेके चलते हैं तो जितने भी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है, ठीक है, वो सारे आप अटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए योग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटली जब हम वेलबींग की या वेलनेस की बात करते हैं, जहाँ पे आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के सारे इन्फ्लुएंस होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स से, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं योग के बारे में। योग में भी आपका जैसे स्पेसिफिकली आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे नियम बताए गए हैं, आपका आचार रसायन बताया है, सद्व्रत बताया हुआ है, वैसे ही सिमिलरली योग के भी कुछ एक स्पेसिफिक नियम हैं, ठीक है, जिनको हम यम और नियम बोलते हैं, जिसमें आपके इंडिविजुअल नियम प्रिंसिपल्स भी हैं, जो आप सेल्फ के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आप कुछ चीज़ें करते हैं, और जो दूसरे वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो आर टूवर्ड सोसाइटी है, कि सोशली आपको कैसे रहना है, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा बताया गया है। यहाँ पे जो टॉपिक मैंने लिया है, दैट इज़ थेरापेटिक एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योग, वो इसलिए लिया है क्योंकि सिर्फ आप थ्योरेटिकली अगर आप जान लेते हैं तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको उसका उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सब जानना इम्पॉर्टेंट है। एज अ डॉक्टर या एज अ फिजिशियन या आयुर्वेदाचार्य, किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी हमारी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ में कैसे आप इसको ऐड ऑन करेंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि अष्टांग योग या फिर योग या अगर आप फॉलो करना है तो उससे क्या हमें बेनिफिट है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने श्लोकास पढ़े हैं, सिर्फ इतना ही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानां अवर्तनम, ऐसे करके चरक संहिता में बताया गया है कि जो योग है वो मोक्ष के लिए एक साधन बताया गया है, ठीक है। और उससे होता क्या है, सर्वासां वेदनानां अवर्तनम, जितनी भी वेदनाएं हैं, जितनी भी दुख हैं, पीड़ा है, आपके मानसिक शारीरिक जो भी पीड़ाएं हैं वो सबका समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप पुरुष आपने पढ़ा था ना, तो आप पुरुष में आपने देखा था रजस्तमो भयम् निर्मुक्तम, यानी कि जो रज और तम से निर्मुक्त हो गए हैं, ठीक है, तो वही वाली सिमिलर कंडीशन आपको योग में देखने को मिलते हैं, कि जो योग के पाथ पे जा रहे होते हैं उसमें रज और तम का क्षय हो जाता है, सत्व बस वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो वो सत्व होने के कारण ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा कहा गया है। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, जो भी चीज़ आप अभी पढ़ के आए हैं आपके चरक पूर्वार्ध में, वही वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे इंक्लूजन है उनका, उन सब चीज़ों का, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप उसको याद करेंगे, देन यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा स्लाइड मूव हो रही है। नो मैम,
ठीक है, तो सबसे पहले जो फादर ऑफ योगा है उनको हम आचार्य पतंजलि मानते हैं। तो पतंजलि जी बेसिकली इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उनको क्यों पतंजलि कहा जाता है और शेषनाग के अवतार कहे गए हैं, ऐसा करके एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ठीक है, पतंजलि इसलिए, पतंजलि यानी कि वो एक जो डिवोटी थे उनकी अंजलि में आके गिरे थे इन फॉर्म ऑफ स्नेक, जो छोटे वाले स्नेक होते हैं, तो इस करके उनका नाम पड़ा था। ठीक है, सबसे पहले इनकी वंदना की जाती है जब भी आप मतलब योग का कुछ भी स्टार्ट करते हैं, या फिर आपके जो आदि या जो आदि गुरु कहे गए हैं, आदि योगी कहे गए हैं, भगवान शिव, इधर आप उनको नमन करते हैं। ठीक है, तो वंदे गुरुणाम चरणारविंदे संदर्शितम स्वात्म सुखाव सुखावबोधे निःश्रेयसे जांगलिकायमान संसार हलाहल मोह शांतये आबाहु पुरुषाकारम शंख चक्रासी धारिणम सहस्र शीर्षम श्वेत प्रणमामि पतंजलि। ठीक है, तो इस तरीके से उनको नमन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें आपका थेरेपेटिक एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योग की हम बात कर रहे हैं, सॉरी इसमें शायद फोन का थोड़ा सा इशू है, बेटा स्क्रीन आई गेस मूव हो जाएगी अभी। ओके, इट विल मूव, थोड़ा सा सिग्नल का इशू है। ठीक है, तो एटिमोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये युजिर योग है। ठीक है, स्क्रीन में ना जो संस्कृत का वर्ड्स हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअली थोड़ा सा उसका फोन का इशू है, कोई बात नहीं, मैं उसको प्रोनाउंस कर देती हूँ। ठीक है, तो युजिर योग कहा गया है। युजिर मतलब बेसिकली जहाँ पे यूनियन या जोड़ने की बात आती है, उस पर्टिकुलर जो धातु है उससे आपका योग की उत्पत्ति हुई है। तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संगीतः, जो फर्स्ट वर्ड्स लिखा हुआ है, जो इसमें थोड़ा सा अजीब शो कर रहा है और फॉन्ट की वजह से, तो वो भागवत गीता ने कहा है, 6th चैप्टर का 23rd नंबर श्लोक है, कि बेसिकली क्या है कि विद्यात दुख संयोग वियोग इति संगीतः। ठीक है, यानी कि जितने भी दुख हैं जब उनसे विमुक्त हो जाते हैं तो उसी को योग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है इसमें जैसे लिखा हुआ है ना कि अकॉर्डिंग टू ग्रेट सेज पतंजलि, तो पतंजलि ने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, चित्त की वृत्तियां हैं, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि चित्त की वृत्तियां कौन सी होती हैं। आज सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, या एक तरीके से जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है आपकी योग की वो बता देते हैं। तो योग चित्त वृत्ति निरोध यानी कि चित्त की जितनी वृत्तियां हैं जब उनका निरोध हो जाता है, पतंजलि समाधि पाद में कहा गया है, पतंजलि के 4 सेक्शंस हैं उसमें से जो समाधि पाद है, ठीक है, उसमें मेंशन है कि जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं या निरोध हो जाता है वही योग कहा गया है। नेक्स्ट आपका है भागवत गीता ने कहा है, इसके अलावा और भी स्टेटमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आज सिर्फ जनरल एक इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो बेसिकली भागवत गीता में कहा है योग कर्मशु कौशलम। ठीक है, यानी कि योग इज स्किल्ड परफॉर्मेंस और स्किलफुली डूइंग वंस ड्यूटी। ठीक है, बहुत सारे टाइप के योग बताए गए हैं और जो जितने भी पर्सन इंडिविजुअल्स होते हैं हर एक के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, या फिर एक तरीके से बात करें तो उनकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ योगास जो हैं उनको वो बेसिकली अडॉप्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो फर्दर जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हठ योग अच्छा है, कुछ लोगों के लिए राजयोग अच्छा है, कुछ लोगों के लिए मंत्र योग अच्छा है, इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली जो डिवोटीज होते हैं जो योग के पाथ पे जाते हैं, ठीक है, उनको आगे फर्दर शिव संहिता में 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग उनके लिए डिफरेंट पाथ ऑफ योगा बताए गए हैं। ठीक है, योगा इज कंसीडर्ड एज अ साइंस विच एग्जिस्ट विद लाइफ एंड बियॉन्ड इट ऑल्सो। जैसे मैंने कहा ना, व्हेन यू ट्रांसेंड फ्रॉम अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है, जहाँ पे हमने डायमेंशंस की जब हमने बात की थी, जब स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में हमने बात की थी, तो वहाँ पे कहा था व्हेन इट ट्रांसेंड फ्रॉम स्पेसिफिक थिंग्स। ठीक है, जब वो वहाँ से निकल जाते हैं, या फिर जो आपका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, या जो मटीरियलिस्टिक लाइफ की जो हम बात कर रहे होते हैं, जब वो उसको उसके अबोव जाते हैं, तो वहाँ पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन की, या फिर वहाँ पे हम बात करते हैं योग के बारे में। ठीक है, अष्टांग योग जो है वो बेसिकली आचार्य पतंजलि ने बताया हुआ है। पतंजलि ने ऐसे कोई स्पेसिफिकली उसको राजयोग नहीं कहा है, लेकिन अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अष्टांग योग को इन द फॉर्म ऑफ राजयोग आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अष्टांग योग के बारे में अगर मॉडर्न इरा की बात करें, ठीक है, आप लोगों को पता है डिजीज जो है, डिजीज कम्स फ्रॉम अ वर्ड डिस प्लस ईज। ठीक है, यानी कि आप अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। ठीक है, यानी कि यू आर नॉट एट ईज विद योर बॉडी एंड माइंड, दैट कॉजेज डिजीजेस। ठीक
ठीक है, जब स्वस्थ व्रत की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी तो वहां पे भी सिमिलर चीज हम पढ़ के आए हैं, स्वस्वरूपे स्थीयते तत्व्रतम स्वस्वरतम, यानी कि अपने जो बेसिक आपका नेचर है जिसमें रहने के लिए आपको जो भी चीजें बताई गई हैं वो आपको स्वस्थ व्रत में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्वस्थ व्रत में क्या क्या चीजें हैं, स्वस्थ व्रत में आपका सब इंक्लूड हो जाता है, आपका रहना, आपका बेसिकली आपका आहार विहार आचरण सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, सद्व्रत बताया गया, आचार रसायन बताया गया, यानी कि आप खुद के साथ कैसे एट ईज रहें, सोसाइटी के साथ कैसे एट ईज रहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अष्टांग योग के 8 अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं जिनको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर एक तरीके से जो अगर स्टेप वाइज इनको फॉलो किया जाता है तो उस कंडीशन में यू कैन अचीव योर गोल्स, या जो हायर मोस्ट गोल ऑफ लाइफ होता है हमारा, जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति में क्या होता है कि जितनी भी वेदनाएं हैं उनका नाश हो जाता है, यानी कि यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेज। ठीक है, दैट में भी मेंटल, दैट में भी फिजिकल, दैट में भी एनी अदर, जो भी आपकी मेंटल फ्लक्चुएशन है। इसीलिए कहा है योग चित्तवृत्ति निरोधः। ठीक है, अष्टांग योग में आपके 8 अंग आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, इसमें जैसे मैंने कहा ना, आयुर्वेद में हमारे यहाँ बताए गए हैं सद्व्रत का पालन बताया गया, आचार रसायन बताया गया है। ठीक है, वहाँ पे हमने स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स बताए हैं कि आपको कैसे रहना है, किन लोगों के साथ काम करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो वहाँ पे भी आपका मेंशन किया हुआ है। अभी अगर आप लोग रसायन अध्याय पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि किन को रसायन का सेवन कराना चाहिए और किन को नहीं कराना चाहिए, सिमिलरली किसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली वो क्या है, एक मोरल प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। वही जो चीजें हैं वो आपकी यम और नियम में बताई हुई हैं, जो अष्टांग योग ने बताई हैं। ठीक है, यम बेसिकली होता है मोरालिटी फॉर द डेली लिविंग, और जो नियम होता है वो एथिक्स फॉर द सेल्फ, यानी कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, जो सामने वाले देख रहे हैं, या फिर आपने दूसरों के हिसाब से जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो, और नियम में जो आपने सेल्फ के लिए बनाए हुए हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम, सॉरी आसन। ठीक है, आसन बेसिकली फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइफ पे आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, अभी आप लोग अगर कहीं भी आप देखेंगे तो डिफरेंट डिजीजेस के लिए आसन आपको मिल जाएंगे, हेल्दी रहने के लिए आसन मिल जाएंगे, मेडिटेटिव आसन आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे बात हो रही है स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा करके कहा गया है, और उसके बेनिफिट में कहा गया है द्वंद्वो अभिघातः। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन जब स्थिर अवस्था में होता है और सुख अवस्था, सुखकारी अवस्था में होता है, ठीक है, वही जो पोजिशन है वो आसन कही गई है। ठीक है, पतंजलि की जब हम बात करते हैं, जब हम हठ योग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ आसन बताए गए हैं कि आपको मंडूक आसन है, आपका भुजंग आसन है, आपका सिद्धासन है, पद्मासन है, ऐसे करके बहुत सारे आसन बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, यहाँ पे जो आसन बताया गया है वो सिर्फ इंडिकेशन दिया गया है पतंजलि में कि जो भी स्थिर कर है और आपको सुकर है और जिस कंडीशन में आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रह सकें, आपको अपने शरीर के बारे में और मन के बारे में अलग से ना सोचना पड़े, यानी कि आपको ये ना पता हो कि आपका शरीर यहाँ पे है। अगर नॉर्मल कंडीशन में आपको बोला जाए कि आपको एक सिंगल पोजीशन में बैठना है, सपोज आप अभी यहाँ पे लेक्चर के लिए आएंगे तो मैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यहाँ पे बस आपको सुखासन में आराम से क्रॉस लेग कर किसी भी पोजीशन में आपको बैठना है, तो कुछ देर के बाद में आपको कहीं पैरों में नमनेस स्टार्ट हो जाएगी, आपका माइंड इधर उधर जाएगा, ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में डिफरेंटली सोचेंगे। तो वो क्या है, वहाँ पे द्वंद्व होता है, आपका शरीर अलग है, आपका जो मन है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है द्वंद्व अभिघाता, यानी कि यू आर सो मच कॉन्सेंट्रेटेड इवन यू डोंट नो अबाउट योर बॉडी एंड माइंड, यानी वहाँ पे वननेस जो आ जाती है वो आपका आसन की पोजीशन कही गई। इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग जो उसको स्पेसिफिकली बेनिफिशियल लगता है उसके अकॉर्डिंग वो आसन चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम में बेसिकली कहा गया है सति ही श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, यानी कि जिस कंडीशन में आपका नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न का जो एक आपका जो नॉर्मल चल रहा है, जब आप उसको ब्रेक कर देते हैं वो आपका होता है प्राणायाम। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंट्रोल ऑफ वाइटल एनर्जी। ठीक है, वाइटल एनर्जी प्राण जो होता है, प्राण को हम एनर्जी या वाइटल एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं, तो जब आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर एक तरीके से बात की जाए तो जो आपका इनवॉलेंटरी ब्रेन है, ठीक है, या इनवॉलेंटरी सेक्शन ऑफ ब्रेन है जो आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जब आप उसको वॉलेंटरली कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पैटर्न्स आपकी बॉडी में बने हुए हैं आप उनको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका स्पेसिफिकली जो ब्रेन का सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी वजह से आपको फर्दर जो कंट्रोल इन योर सेंसेस जो है वो उसमें आपको हेल्प आउट करेगा।
इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब प्राणायाम को इन डिटेल पढ़ेंगे देन यू गॉट टू नो। ठीक है, ऑक्सीजनेशन होती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा प्राणायाम के भी फिर आगे फर्दर चार डिवीजन किए गए हैं। स्पेसिफिकली आपका इनहेलेशन है, देन आपका उसके बाद में रिटेंशन ऑफ ब्रीथ है, देन एक्सहेलेशन है, देन अगेन रिटेंशन ऑफ ब्रीथ है। ठीक है, इस तरीके से चार सेक्शन में आपका पतंजलि में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार में बेसिकली इसका एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर देखो तो जैसे एक टर्टल होता है वो अपने लिम्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके अपनी शेल के अंदर ले आता है। जो हमारी इंद्रियां बताई गई हैं जब आप उनको कंट्रोल करके आप इंटरनलाइज कर लेते हो, जब अगर थोड़ा सा पदार्थ विज्ञान का आपको याद हो तो वहां पे कहा गया है ना कि जो इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो वो वाली जो कंडीशन है वो आपकी होती है प्रत्याहार, यानी विड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर आप जो कल के लेक्चर से अगर आप रिलेट करें तो वहां पे हमने कहा था काल अर्थ कर्माणाम। ठीक है, यानी काल का, अर्थ का और कर्म का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। ठीक है, तो वहां पे सम योग जब होता है तो हेल्थ होती है। ठीक है, इंद्रियों के जो विषय है या अर्थ है जब आप उनको समता में लेके आते हैं यानी आप उनको कंट्रोल करते हैं ना, वहाँ पे अति योग है ना हीन योग है ना मिथ्या योग है, तो जब आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं एट दैट कंडीशन यू कैन बी इन द स्टेज ऑफ प्रत्याहार। नेक्स्ट इज धारणा। धारणा को कहा गया है बेसिकली चित्त बंदिश्य धारणा, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब आप फोकस करते हैं, वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आप होती है आपकी धारणा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ध्यान। ठीक है, ध्यान जो है जैसे हम नॉर्मली लोगों को कहते हैं ना कि यू मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस या फिर आप ध्यान से ये काम करिए, तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट। जैसे धारणा में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने फोर्सिबली स्टार्ट किया था, अब वही वाली जो चीजें जब एक्सटेंड होती चली जाएगी तो वो उस कंडीशन में ध्यान आ जाता है। ठीक है, जिसको आप मेडिटेटिव स्टेज भी बोलते हैं। ध्यान भी आगे फर्दर डिवीजन होता है जिसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। एंड लास्ट वन इज समाधि। ठीक है, सम प्लस आधि यानी समता की कंडीशन आ जाती है। उस टाइम पे ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा चरक को याद करेंगे तो चरक शारीरिक स्थान फर्स्ट चैप्टर में कहा गया है कि जितने भी आपके कर्म है उनका क्षय होना बहुत नेसेसरी है। जब कर्मज व्याधि की बात करते हैं हम शारीरिक स्थान में, तो कर्मज व्याधियों में क्या होता है कि जब तक कि वो कर्म का क्षय नहीं हो जाता उस कंडीशन तक वो जो पर्टिकुलर व्याधि है वो समाप्त नहीं होती है। वैसे ही सिमिलरली आपका जो कर्म अनुबंध होता है, ठीक है, समाधि की स्टेज तक आने के बाद या फिर समाधि में भी आगे फर्दर डिवीजन होता है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ऐसा करके। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपके आइदर पॉजिटिव कर्म है या फिर नेगेटिव कर्म है जैसे ही वो डिमिनिश हो जाते हैं तो लास्टली यू विल बी एट द स्टेज ऑफ वननेस, जिसको एब्सोल्यूट वननेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका था अष्टांग योग के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर बात करें इनका फर्दर सिंगल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो एक इमेज है, आई थिंक अभी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, तो उसमें क्या है कि जैसे इमेज में देख पा रहे हैं एक फ्रूट, एक जो एक तरीके से जो ट्री है उसमें अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे रही है। जैसे फ्रूट है तो जो आपने काम किया लास्टली आपको क्या था अष्टांग योग में, लास्टली आपको समाधि मिली है। फर्स्ट स्टार्ट होता है आपके जो रूट्स होते हैं वो आपके यम से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे आपने स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स बनाए थे। फिर उसके बाद नियम, जो आपने सेल्फ डिसिप्लिन के लिए प्रिंसिपल बनाए थे जिसपे वो सारी चीजें खड़ी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है यहाँ सॉरी उसके बाद आपका प्रत्याहार की गई है कि जहाँ पे आपकी जो बार्क है, जो एक्सटर्नल शेल, जो प्रोटेक्टिव शेल आपके लिए होती है, जैसे हमने कहा ना जितनी भी इंद्रियां हैं वो आपकी वशीभूत मतलब उनको आप वश में करके आप सेंट्रलाइज कर देते हो, तो उसके लिए आपका प्रत्याहार कहा गया है। फिर जो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली होती है, जो हमने एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी, जो सैप है उस ट्री का दैट इज धारणा। ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस कही गई हैं वो आपकी आसन कहे गए हैं, क्योंकि दृढ़ता के लिए उसको होल्ड करने के लिए और एक तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्प्रेड करने के लिए आपके पास में उसकी ब्रांचेस हैं, या और भी बहुत सारे जैसे हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की ब्रांचेस हैं जहाँ से आप गेन कर सकते हैं नॉलेज को या फिर आप उसको हेल्प कर सकते हैं और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। ठीक है, एक प्लांट ट्री को ग्रो करने के लिए ब्रांचेस को स्प्रेड करना पड़ता है, वैसे ही सिमिलर आपके आसन है। उसके बाद जो लीव है जो आपको एक तरीके से वाइटल फोर्स या फिर जो फूड प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही सिमिलरली आपका प्राणायाम है। और जब ये सारी चीज़ें जब फलित हो जाती हैं या ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर होती हैं तो लास्टली फ्लावरिंग होती है और फ्लावर के बाद आपका फ्रूट बनता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके जो अष्टांग योग के जितने भी सेक्शंस कहे गए हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जैसे सबसे पहले हमने यम की बात की है, तो यम में जो फर्स्ट है जो एथिकल डिसिप्लिन बताए गए हैं वो आपके होते हैं यम।
ठीक है, इसको श्लोका के फॉर्म में भी लर्न करना है आपको, या हम आपके पांच बताए गए हैं। जब हठ योग की बात करेंगे तो आपका हठ योग प्रदीपिका में 10 प्रकार के जो आपके यम है वो बताए हैं। ठीक है, इसको कहा गया अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, प्रिंसिपल्स बनाए हैं हमने ताकि हम एट ईज रह के रहे टूवर्ड सोसाइटी या हमारा जो सोशल सर्कल है उसके। तो फर्स्ट अहिंसा है, नॉन वायलेंस। ठीक है, आपका जो हिंसा तीन प्रकार की जो कही गई ना, कायिक वाचिक मानसिक, वो तीनों प्रकार की अहिंसा को त्याग देना, ठीक है, वो आपका अहिंसा में आता है। उसके बाद है सत्य। ठीक है, सत्य में जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बोलना, मोरालिटी को अटेन करके रखना, या फिर जो हाईएस्ट रूल ऑफ फॉर द कंडक्ट है, जो ट्रुथ है, वो आपका सत्य में आता है। उसके बाद है अस्तेय। अस्तेय होता है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का मतलब हुआ कि दूसरे की चीज़ पे अपनी नज़र ना रखना, यानी कि किसी दूसरे की चीज़ को अपना ना समझना। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है वो आपकी होती है अस्तेय। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य कॉन्टिनेंस भी कह सकते हैं, कैलिबेसी भी कहते हैं। ब्रह्मचर्य आपका ब्रह्म के समान आचरण करना, यानी कि आपका जो शुद्धतम स्वरूप है उसी में रहना भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। ठीक है, और ग्रॉसली जो आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो नॉन इंडल्जेंट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ब्रह्मचर्य कुछ जगह पे कहा गया है। ठीक है, जब हम आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो वहाँ पे सेपरेट थिंग है। योग में जो ब्रह्मचर्य है उसमें स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है आपका हठ योग में, बिंदु जय। ठीक है, यानी कि जो आपका शुद्धतम स्वरूप है एनर्जी का, यानी कि जो शुक्र है, जब उसको जीत लेते हैं आप, उसकी डाउनवर्ड फ्लो नहीं होता है, अपवर्ड फ्लो होता है उस पर्टिकुलर एनर्जी का, तो वो कंडीशन आपकी ब्रह्मचर्य में आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। परिग्रह बेसिकली होता है बहुत सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करके रखना, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखना। अपरिग्रह मतलब होता है नॉन कोवेटिंग, आपको जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करके नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं और आपके जो मेंटल बेनिफिट हैं वो भी हैं। ठीक है, अपरिग्रह में यानी कि अपरिग्रह हर तरीके से होता है। जैसे आप बहुत एक्सेसिव फूड इनटेक ऑफ फूड कर लेते हैं, आपको जरूरत नहीं है लेकिन उससे ले लिए, तो उससे क्या हुआ, बॉडी में गुरुता हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मटेरियलिस्टिक थिंग्स को अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रख लिया तो उस कंडीशन में आपके पास में बहुत सारा मेंटल बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, अननेसेसरी आप के जो मेंटल फ्लक्चुएशंस है वो इंक्रीज होंगे, यानी कि जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो अपना काम करेंगी। सेकेंड नंबर पर आता है आपका नियम। नियम भी जब हठियों की बात करेंगे तो वहाँ पर 10 नियम बताए गए हैं, यहाँ पर आपके 5 नियम बताए गए हैं। जब पतंजलि की बात करते हैं अष्टांग योग की, तो उसमें से जो 5 नियम हैं वो बेसिकली सेल्फ के लिए जो आपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ठीक है, तो उसमें होता है शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना। ठीक है, तो शोच मतलब प्योरिटी। ठीक है, शोच में आपका शारीरिक शोच भी आता है और मानसिक शोच भी आता है। शारीरिक के लिए आप क्लीनिनेस कर सकते हैं, आप बेसिकली जो यहाँ पे कहा गया है कि दूसरों के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, वो भी आपका शोच में कहा गया। उसके बाद संतोष आता है, संतोष होता है कंटेंटमेंट। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वेन यू विल बी एट ईज विद योर सेल्फ एंड जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं, देन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कंटेंटमेंट या फिर संतोष। उसके बाद नेक्स्ट आता है तप। ठीक है, तप जो है ऑस्टेरिटी के लिए कहा गया है, तप बेसिकली तपस्या से भी लिया गया है। इसके अलावा तप होता है किसी भी चीज के लिए अगर आप कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो भी आपका तप में कंसीडर होता है। नेक्स्ट होता है स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो है इन दोनों के लिए ही इंटर रिलेटेड टर्म्स यूज की गई हैं। जैसे स्वाध्याय में एक तो कहा गया है स्टडी ऑफ सेल्फ। ठीक है, सेल्फ को इसलिए कहा गया है सेल्फ क्योंकि हम आत्म तत्व है और आत्मा जो है वो ईश्वर का ही एक स्वरूप मात्र है, तो इसीलिए ईश्वर के बारे में जानना भी या उसके बारे में अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, और खुद के बारे में जानना भी आपको स्वाध्याय लिखा मिलेगा। नेक्स्ट होता है ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, डेडिकेशन टू द गॉड, तो सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो डेडिकेशन टू द गॉड यानी कि जो भी आपका ईश्वर है उसके प्रति समर्पित हो जाना, जो भी आपका कर्म है, जो भी कर रहे हैं, जब आप उसको डिवोट कर देते हैं जैसे भागवत गीता में कहा गया है। ठीक है, तो वही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बताया गया है। इस तरीके से आपके नियम हो जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स आपने बनाए हैं सेल्फ के लिए। यम में जो प्रिंसिपल्स आपने बनाए थे वो आपने बताए थे उनके लिए, सोसाइटी के लिए, सोशली आपको कैसा होना चाहिए। आई थिंक इसमें भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा फॉन्ट का, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है आपका जो आसन है, वो आसन के लिए कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, यानी कि जो जहाँ पे भी यू आर इन द
फॉर्म ऑफ ईज या फिर एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टेडीनेस है, एक स्थिरता है आपके शरीर में और मन में, वो वाली जो कंडीशन है उसको आप आसन कह सकते हैं। ठीक है, जब पतंजलि की अष्टांग योग की बात करते हैं तो उन्होंने अलग से ऐसे बहुत सारे टाइप के आसन नहीं बताए हैं। आसनों का जो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है वो मिलता है आपका हठ योग प्रदीपिका में, सबसे ज़्यादा आसनों का डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको घेरण संहिता में। ठीक है, शिव संहिता में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है, गोरक्ष संहिता में आसन बताए गए हैं। ठीक है, ऐसे और भी बाद के और भी कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें आसनों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। इससे होगा क्या, कुरियादासनम स्थैर्यम आरोग्यम जंग लाघवम। ठीक है, जहाँ पे हम फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका होता है आसन। जब हम हठियों की बात करेंगे, जब उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कहा गया है हठात प्रथम अंग, यानी कि हठ योग में आपका जो फर्स्ट अंग है वो आपका आसन कहा गया है। यानी सबसे पहले आपको फिजिकली अपनी बॉडी को स्टेडीनेस लेके आनी है, वहाँ पे लाइटनेस क्रिएट करनी है। इफेक्टिवली अगर बात करें तो जो शरीर में जो आम जमा हुआ है उसका पाचन करना है, जो भी दोष वहाँ पे है उनसे निर्मुक्त करना है, उसके लिए हमें आसन की हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे बताया गया है आसन के बारे में। सबसे पहले बहुत सारे टाइप के आसन होते हैं, चीफली फोर डिस्क्राइब्ड इन हठ योग। ठीक है, उसके बाद में शिव संहिता है, वहाँ पे बताया गया है, उन्होंने शिव संहिता ने बोला है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या लिविंग बीइंग्स बेसिकली, तो वो सारे के सारे जो हैं उनको आप मतलब उतने टाइप के आसन को आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आसन के बाद आता है प्राणायाम। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, सिंगल सिंगल आसन का कैसे मोड ऑफ एक्शन होता है, कैसे वो काम करते हैं और जनरलाइज्ड कैसे काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। आसन के बाद आता है आपका प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम में जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो वाइटल एनर्जी है या जो हमारा प्राण है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, प्राण और आयाम करके ऐसे उसका जो दो वर्ड है उनसे बना हुआ है। प्राण मतलब आपकी ब्रीद है, आपकी लाइफ है, आपकी वाइटलिटी है। ठीक है, एनर्जी है, कुछ भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आयाम, आयाम आपको पता है खींचने को आप आयाम कह सकते हैं, एक्सपेंशन, लेंथ, रिस्ट्रेनमेंट। ठीक है, इन सब वर्ड्स को आप प्राणायाम की फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, तो जिन भी प्रोसेसेस से ऐसा किया जाता है वो आपके होते हैं प्राणायाम। ठीक है, सो इट कैन कनॉट एक्सटेंशन ऑफ ब्रीद एंड इट्स रिदमिक कंट्रोल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, सति ही श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद। ठीक है, यानी कि जो आपका ब्रीदिंग का नॉर्मल पैटर्न है आप उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, वो आपका होता है प्राणायाम। दिस कंट्रोल इज ओवरऑल फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग, लाइक इनहेलेशन जो आपका पूरक है, पूरक को इनहेल करना कहा जा मतलब इनहेलेशन। उसके बाद आपका रिटेंशन को ब्रीद होता है या होल्डिंग ऑफ ब्रीद कुंभक होता है, एंड आपका एक्सहेलेशन और रेचक होता है। ठीक है, उसमें भी आपका फर्दर जो बाह्य कुंभक के बाद जो रेचक होता है, यानी बाह्य आभ्यंतर विक्षेपी, ऐसा एक वर्ड आया है आपका, पतंजलि ने बोला हुआ है। तो इस तरीके से चार टाइप से आपके प्राणायाम कहे गए हैं। ठीक है, जो आप सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, कुंभ आपका जो इसके अलावा अनुलोम अनुलोम विलोम बेसिकली नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है, कपालभाति जो है वो आपका शोधन प्रोसीजर्स में आता है, शठ शुद्धि में। ठीक है, इसके अलावा सूर्यभेदी केवली, आपका मूर्छा, इसके अलावा जो आपके बाकी के प्राणायाम है शीतली शीतकारी, ये आपके कुंभक में आते हैं, अष्ट कुंभक ऐसा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद प्रत्याहार के बाद अगर सॉरी प्राणायाम के बाद आता है आपका यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आता है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। ठीक है, जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, जब आप उनको विड्रॉ कर लेते हैं, बाहर से इंटरनलाइज कर लेते हैं जितनी भी आपकी सेंसेस हैं उनको, तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्रत्याहार। ठीक है, ये आपका बहिरंग और अंतरंग करके आपने ऐसे दो वर्ड सुने होंगे। बहिरंग यानी बाहर से आप काम कर रहे हैं, जो अंग कहे गए हैं। ठीक है, आप उसमें आपका यम नियम आसन आता है। उसके बाद आप अभ्यंतर से काम कर रहे होते हैं, इंटरनली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप उसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, लास्टली यू गोज टू द समाधि। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपके अंतरंग होते हैं। जो आप प्रत्याहार होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, यानी कि वहाँ पे आप एक्सटर्नली काम करके इंटरनल जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप एक सिंगल वर्ड में उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रत्याहार बताया गया। बेसिकली इट इज़ विड्रॉन ऑफ देम सेल्फ फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, जो भी उनके विषय हैं या जो भी उनके अर्थ हैं वो अरे चलो ठीक है।
ठीक है, ये आपका प्रत्याहार में आता है। प्रत्याहार के बाद नेक्स्ट आता है आपका धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, ये इंटरनल लिम्स कहे गए हैं, अंतरंग योग के जो अंग कहे गए हैं उनको आप कह सकते हैं। इन्हीं को आप संयम त्रय जो वर्ड है वो भी आता है आपका धारणा, ध्यान और समाधि के लिए। ठीक है, तो धारणा क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चित्तबंध, यानी कि आपका जो मन है एक सिंगल पॉइंट पे टिका के रखना है, दैट इज धारणा। उसके बाद ध्यान, ध्यान में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ द धारणा है, धारणा में आपने फॉर द टाइम बीइंग आपने ऐसा किया था, ध्यान में उसी चीज को आपको एक्सटेंड करना है, एंड यू बिकम वन विद दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे, दैट मे बी पॉइंट ऑफ लाइट, दैट मे बी योर ईश्वर, दैट मे बी सम ऑब्जेक्ट, और दैट मे बी सम जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं लाइक सूर्य, चंद्रमा और समथिंग एल्स, तो उन चीज़ों पे जब आप उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन को आप ध्यान कहते हैं। बेसिकली 3 पॉइंट्स डिफरेंट टाइप के बताए गए हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, इसको हम डिटेल में जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में हम उसको देखेंगे। ठीक है, धारणा और ध्यान के बाद नेक्स्ट आता है आपका समाधि। समाधि बेसिकली एंड स्टेज ऑफ अष्टांग योग कही गई है, जब जो प्रैक्टिकली समाधि को फॉलो करते हैं उनका कहना है कि समाधि के बाद की जो स्थिति होती है आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट मैंशन। ठीक है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात है, बुकिश के हिसाब से इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ अष्टांग योग। ठीक है, ये डीप स्टेज ऑफ मेडिटेशन होती है, तो उस कंडीशन में एक वर्ड बताया गया है कि आप जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिस पे भी आप ध्यान कर रहे थे और जो पर्टिकुलर जो पर्सन है जो ध्यान करने वाला है, ठीक है, वो दोनों ही डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को आप समाधि कहते हैं। यानी कि देयर इज एब्सोल्यूट वननेस विद द होल। ठीक है, यानी कि जो आत्मा और परमात्मा तत्व होते हैं तो उनका जो वननेस होती है उसको आप समाधि कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, समाधि में जैसे मैंने बताया ना, जितने भी आपके कर्म हैं वो सारे के सारे के दैट में भी पॉजिटिव कर्मास, दैट में भी नेगेटिव कर्मास, वो सारे आपके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ की जो हमने बात की थी, जो डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको कहा था WHO की जो डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है, जब उसके डिफरेंट सेक्शंस की बात करते हैं तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लाइक यम है आपका तो सोशल हेल्थ में आ जाता है, नियम और प्रत्याहार यहाँ पे, क्योंकि नियम क्या था, आपने सब्जेक्टिव बनाए थे आप स्पेसिफिकली सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, और प्रत्याहार में भी आप सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो वो दोनों मिला के आपका मेंटल हेल्थ में आ जाता है। आसन और प्राणायाम आपका फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, इसीलिए वो फिजिकल हेल्थ में आ जाते हैं। एंड लास्टली आपका धारणा, ध्यान और समाधि जो है उसको आप स्पिरिचुअल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, या फिर फिजिकली जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो किस तरीके से उनका इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, यानी किस तरीके से आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उनसे आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। वैसे ही आप लोग आई गेस फिजियोलॉजी में पढ़ के आए होंगे, बट स्टिल हम इसको एक बार क्विक रिव्यू दे देते हैं। ठीक है, बेटा स्लाइड चेंज हुई क्या, नेक्स्ट। ओके, तो जनरल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये आपको पता है कि कैसे काम करता है, कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी स्ट्रेसर्स के बारे में। बेसिकली एक आपका स्ट्रेस की बात होती है, तो स्ट्रेस में यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है। स्ट्रेसर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स हैं वो सब आपके स्ट्रेसर्स में आते हैं। ठीक है, दैट मे बी एनीथिंग। एक मिनट बेटा, ठीक है, तो जनरल पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं। स्ट्रेसर्स आपके फिजिकल स्ट्रेसर्स भी हो सकते हैं, आपके मेंटल स्ट्रेसर्स भी हो सकते हैं, दैट में बी एनीथिंग, जो भी ब्रेन को स्ट्रेस का सिग्नल दे। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को किसी स्पेसिफिक चीज़ पर रिएक्ट करना है तो उस कंडीशन में वो जो स्ट्रेसर्स के सिग्नल्स होते हैं वो आपके लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं। ठीक है, उसमें भी स्पेसिफिकली अमिग्डाला एक पार्ट होता है, ये आप लोग एनाटॉमी में पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो कमांड सेंटर होता है हमारा हाइपोथैलेमस, वो जाके बाकी का जो हमारी हॉल बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस है और उसको फाइट फायर फ्लाइट मोड के अकॉर्डिंग उसको काम करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, देर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, देन देर इज अ सिग्नलिंग टुवर्ड्स लिम्बिक सिस्टम, उसके बाद में हमारा जो कमांड सेंटर है वहां पे आपका सिग्नल जाता है, देन लेटर ऑन इट गोज टुवर्ड्स सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के पास जाता है, ANS के पास, उसके बाद हमारी जो एड्रीनल
कर रही होती हैं, तो इस तरीके से हमारे सिग्नलिंग आगे कन्वे होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि देर इज अ पंपिंग ऑफ एपिनेफ्रिन इन द ब्लड, ठीक है। फटाफट से एपिनेफ्रिन इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होता है, जैसे ही इंक्रीज होता है हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो ब्लड है उसकी पंपिंग स्टार्ट हो जाती है, पुशिंग टुवर्ड्स द मसल्स एंड वाइटल ऑर्गन्स, बिकॉज देर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस जिसको बहुत ज़्यादा काम करना है हमारी बॉडी में, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वाइड ओपनिंग ऑफ एल्वोलाई हो जाती है ताकि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक कर सकें, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम ब्रेन को पहुँचा सकें, एंड ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज एंड फैट फ्रॉम द टेम्पररी स्टोरेज एंड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद में देर इज अ फ्लड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड स्ट्रीम टू सप्लाई द एनर्जी। इस कंडीशन में जब भी स्ट्रेस अराइज होता है उस कंडीशन में हमारी बॉडी का जो बेसिकली जो हमारा एक्सट्रीमिटीज को जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो। अब क्या है, इफ ब्रेन कंटिन्यूज टू परसीव समथिंग डेंजरस, हाइपोथैलेमस रिलीज CRH, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ के आए हैं, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा रही हूँ इसको, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी आपका CRH होता है तो CRH ट्रेवल करता है पिट्यूटरी के लिए, यहाँ तक आपका जर्नल हो गया, उसके बाद आ गया आपका जो नेक्स्ट फर्दर जो स्टेजेस हैं आपकी, इट ट्रिगर्स टू द रिलीज ऑफ ACTH, ठीक है। ACTH जैसे ही रिलीज होगा ट्रेवल्स टू द एड्रेनल्स, जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं दैट रिलीजेज कॉर्टिसोल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द बॉडी स्टेज रिवड अप एंड ऑन हाई अलर्ट, ठीक है, ये आपकी एक स्टेज है। उसके बाद स्ट्रेस पास अवे, ठीक है, जैसे ही स्ट्रेस रिलीज होता है सिमिलरली आपका कॉर्टिसोल लेवल फॉल हो गया, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जैसे आपका ब्रेक का काम करता है वैसे सिमिलरली आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो डैम्पन कर देता है स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है, बट जैसे पहले बताया था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इफ देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द लाइफ बाय विच स्ट्रेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूसली, जैसे कॉन्टिन्यूस आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेस है, मनी का स्ट्रेस है या काम का स्ट्रेस है, आप कहीं जा रहे हो रेगुलरली, यू आर इन ऑन द स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एनीथिंग जो हमारा नॉर्मल प्रेजेंट का लाइफ स्टाइल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर रेगुलरली स्ट्रेस की कंडीशन है तो क्रॉनिक लो लेवल ऑफ स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली बना रहता है, तो उससे क्या होगा, हमारी HPA एक्सिस जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगी। यानी कि जैसे आप कार एग्जाम्पल से समझो, जैसे आप कार को स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद कॉन्टिन्यूस उसको ब्रेक को दबाए रखते हैं, या एक्सेलरेटर को, सॉरी आई एम नॉट अ नाइस ड्राइवर, लेकिन उसको चालू करके रखते हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं बट चालू है वो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, गर्म हो जाएगी, काम प्रॉपर कर नहीं रही है, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, सिमिलर हैपन्स विद द बॉडी, ठीक है। अगर क्रॉनिक लेवल ऑफ स्ट्रेस बना रहेगा तो क्या होगा, एक तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जैसे आपका डिप्रेशन है, एनजाइटी है, ठीक है। उसके बाद में अगर HPA एक्सिस एक्टिवेटेड रहती है तो उसमें क्या होगा, हेल्थ पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। परसिस्टेंट अगर एपिनेफ्रिन सर्ज है तो क्या हुआ था, एपिनेफ्रिन सर्ज से आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था, आपके एल्वोलाइज थे वो वाइडन हो गए थे, ठीक है, जो भी आपके पास स्टोर ब्लड सॉरी स्टोर ग्लूकोज था, फैट था, वो आपके सर्कुलेशन में आ गया था, तो उस कंडीशन से क्या हुआ, आपकी जो ब्लड प्रेशर रेज हुआ, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाएंगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर एलिवेटेड कॉर्टिसोल भी अभी तक प्रेजेंट है तो उसमें क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे दैट हेल्प टू रिप्लिश द बॉडी एनर्जी स्टोर, ठीक है। बॉडी को सिग्नल जाएगा कि जो उसका स्टोर है वो आपका खाली हो रहा है, यानी कि आपके पास जो भी स्टोर फॉर्म में जो आपका ग्लूकोज स्टोर था, आपके पास फैट स्टोर था, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में आ गया है, तो अपोजिट आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन बॉडी को ऐसे लग रहा है कि यू आर एट द फायर फ्लाइट मोड, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी स्टोर फॉर्म में था वो आपने बाहर निकाल दिया, उसके बाद बॉडी को लगेगा कि उसको और ज्यादा कंज्यूम करना है स्टोरेज के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो इंक्रीज इंक्रीज आएगा, प्रोटियोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट में क्या होगा, एपेटाइट इंक्रीज हुई, आपको ज्यादा खाना है बिकॉज यू आर गिविंग कॉन्टिन्यूसली सिग्नलिंग टुवर्ड्स द ब्रेन कि आपको उस पर काम करना है, यू हैव टू इनटेक मोर ताकि आपको और एनर्जी मिल सके, आपकी बॉडी स्ट्रेस से कॉम्बैट कर सके, लेकिन एक्चुअल में दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस विच इज गोइंग ऑन रेगुलर बेसिस, तो उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी। अब ये हो गया, यहाँ पे डिजीज कॉज हुई आपकी स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, जो इन जनरल हमारे यहाँ पे जितने भी आप पेशेंट आएंगे उनकी हिस्ट्री लेंगे तो मोस्ट ऑफ द पर्सन या स्पेसिफिकली जो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वाले हैं, जो
मैक्सिमम इस प्रेजेंट सिनेरियो में है, तो उनका आपको हिस्ट्री लेंगे तो ऐसा करके आपको एक नॉर्मल हिस्ट्री मिलेगी। या किसी भी पेशेंट से पूछो कि आप भाई चिंता करते हैं, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो कहते हैं कि इतनी तो चलती ही रहती है, तो वो जो चलने वाली होती है वो आपका ये सारी प्रॉब्लम जनरेट कर देती है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो अष्टांग योग की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, तो उसमें हमें क्या करना है, जो हमने अभी सेक्शंस में जो 8 अलग अलग अंग देखे हैं वो हमारा यहाँ पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो इन जनरल योग के बारे में और सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप कराएंगे दैट में बी एनीथिंग, वो आप पे काम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा यम था, ठीक है, 8ों के अंग के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो यम है, तो उसके हमारे पास 5 डिवीजन्स थे, ठीक है, जिसमें आपका हिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह था। ठीक है, तो हिंसा में नॉन वायलेंट था, आपका स्मूथ टेम्परामेंट है, या एक जो भी पर्टिकुलर पर्सन को आप अब अच्छा टेम्परामेंट के लिए अगर बोलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर अहिंसा है तो, ठीक है, जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अहिंसा बताई गई हैं, तो उससे क्या होगा, कामनेस होगी, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड एंगर एंड जेंटलनेस ऑफ द माइंड, यानी कि आपके जो स्ट्रेसर्स थे बेसिकली ये उसको अवॉइड कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेसर्स है, या स्ट्रेसर्स के इफेक्ट को हटा रहे हैं। दूसरा सत्य आया, ट्रूथफुलनेस टू द सेल्फ एंड टू द सोसाइटी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल अराइज होगा, जो भी होता है ना कि एक इन जनरल अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो देयर इज अ जीरो सेल्फ कंट्रोल टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स सेल्फ, छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो जाते हैं, जो आपका कॉन्टिन्यूसली सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, या फिर एक तरीके से जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं रेगुलरली, देयर इज अबंडेंट ऑफ न्यूज़ इन न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पे आप रेगुलरली देखते हैं, तो अगर सत्य अहिंसा का पालन करते हैं तो उससे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, दैट में भी इंटरनल दैट में भी एक्सटर्नल। उसके बाद है अस्ते, नॉन स्टीलिंग, ठीक है, तो आपको अगर दूसरों को की चीज़ों को अगर इकट्ठा करने की या उनसे छीनने की एक जो टेंडेंसी अगर खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके धारणीय वेग पे अगर जाएंगे तो वो वाले जो धारणीय वेग है वो आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि रिडक्शन ऑफ ग्रीड, एक्सेसिव नीड ऑफ वेल्थ एंड क्रेविंग, ये फिनिश हो जाएगी, जो हम कहते हैं ना कि इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है या किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका स्ट्रेसर्स रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप लोगों को पता है, एक तो वैसे ही शुक्र या फिर जो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो उसको वाइटल एनर्जी कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर आएगी, और इसके अलावा सोशली भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मास मीडिया पर ऐसे बहुत सारी न्यूज़ जो अगर ब्रह्मचर्य का या अब्रह्मचर्य के कारण या एक जो मेंटल लेवल की जो बात, मतलब एक लो मेंटल लेवल के जो लोग आज जो भी कर रहे हैं, तो उस पर एक तरीके से चेक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपरिग्रह। बहुत सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करके नहीं रखते हैं तो सोशल डेवलपमेंट के लिए देयर इज़ अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी आपके सब्सटेंस हैं या जो भी आपके पास प्रेजेंट है इन जनरल ओवरऑल कंट्री में, ठीक है, तो वो सबके पास सारी चीज़ें पहुंचेंगी, तो उसकी वजह से जो आप पॉवर्टी है या फिर आपका जो एक तरीके से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, वो सारी की सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जब एक पर्टिकुलर पर्सन इन सब चीज़ों को अचीव कर ले या इन सब चीज़ों को फॉलो करे, तो फाइनली क्या होगा, जितने भी स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन के वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, हार्मनी होगी, पीस होगी, तो उसके अगेंस्ट में इन जनरल जो उसका बेनिफिट होगा वो होगा कि वो जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी उसके इश्यूज हैं, जितनी भी चीज़ें उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी डिजीज कॉज करने के लिए, वो सब वो सारे के सारे फैक्टर्स आपने रिमूव कर दिए हैं, तो ये हो गया यम की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका नियम। ठीक है, नियम होता है यम ने हमने कहा था जो मॉरल एक तरीके से सोसाइटी के लिए या फिर सोशल लाइफ के लिए जितने भी प्रिंसिपल्स आपने या सेल्फ डिसिप्लिन के लिए किए थे। जब नियम की बात करते हैं तो नियम होता है सब्जेक्टिव, यानी पर्टिकुलर पर्सन अपना किस तरीके से मैनेज कर रहा होता है सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए या फिर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, जो हमारे फैक्टर्स बताए गए हैं, तो उसमें होता है आपका शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। सबसे पहले सोच प्योरिटी है आपकी, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, मन की शुद्धि करते हैं, आप शरीर की शुद्धि करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, तो आयुर्वेद की बात करें तो आपके जो इम्बैलेंस दोष हैं वो आपके बैलेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, जितने भी आपकी माइंड है जब उसको प्योरीफाई करते हैं डिफरेंट चीज़ों से, तो उस कंडीशन में जितने भी आपके जो वेग बताए गए हैं, जो धारणीय वेग होते हैं, उनसे आप निपट सकते हैं, तो इस तरीके से प्योरिटी हमें हेल्प आउट करती है। संतोष की, कंटेंटमेंट की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ डिज़ायर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप
नॉर्मली कहा गया है कि आपको थोड़ी अमाउंट में फूड इंटेक करना चाहिए ताकि आपके दोशास बैलेंस रह सकें, या फिर आपके पास जो है, जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको आपको रिड्यूस करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो चित्त की वृद्धियां हैं या फिर जो आपका मेंटल फ्लक्चुएशन जितनी भी हैं वो आपकी बैलेंस हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका तप आता है। तप में ऑस्टेरिटी कहा गया है या स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन जो भी होता है, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपकी बॉडी में स्थिरता आ जाती है और आपके मन में स्थिरता आ जाती है तप की वजह से। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बेसिकली टू इंड्योर हार्डशिप एंड डाइवर्सिटी यू कैन दैट कैन बी अटेन विद द हेल्प ऑफ तप। उसके बाद नेक्स्ट स्वाध्याय है। ठीक है, तो एजुकेशन ऑफ सेल्फ या फिर जो आप, मैंने जैसे कहा कि आत्मतत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होना है, तो वो आप बेसिकली यू आर गेटिंग नॉलेज अबाउट गॉड या फिर जो भी एक तरीके से जो परमात्मा है वो, उसके बारे में, तो दैट कम्स अंडर स्वाध्याय। सेल्फ रियलाइजेशन है। ठीक है, स्वाध्याय में बेसिकली फायदा क्या होता है कि जो भी आपके लेकुनाज हैं, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ के बारे में असेसमेंट हो जाती है, तो उससे आप चीज़ों को कैसे हैंडल करना है तो वो आपको पता हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो ईश्वर के प्रति जो समर्पण होता है तो उससे क्या होता है, पीस ऑफ माइंड। ये सारी भी चीज़ें जब आप फॉलो करते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो कराते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा, हारमनी है, पीस है, सेल्फ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, क्योंकि आपने क्या किया, जो संतोष किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनटेक नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का, अपनी इंद्रियों का एक्सेसिव यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कर सकते हैं और साथ में प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस कॉजिंग जितने भी आपके पास फैक्टर्स हैं उन सबको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यम और नियम से आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। बेटा इसको नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आसन है, प्राणायाम है, धारणा ध्यान समाधि है, कैसे वो आप पे काम करते हैं वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। समझ आ रहा है जो अभी आज आपको समझाया है? यू गॉट टू अंडरस्टैंड ना क्यों हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।